पूरे फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया, तो ये कैसे हुआ क्या हुआ मुझे भी कभी कभी अभी भी सरप्राइजिंग लगता है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन और मेरे पेरेंट्स की जनरेशन ने सेफ्टी को बहुत वैल्यू दी कि नौकरी कर लो, सेटल हो जाओ। फादर वॉज इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, मदर वॉज अ स्कूल टीचर, वो फाइनली एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्कूल में एज अ प्रिंसिपल रिटायर हुई। मेरी फर्स्ट जॉब एक इंश्योरेंस कंपनी में ही थी। मुझे धीरे धीरे आई थिंक अपने बारे में ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि अगर मैं कोई एक्चुअल चीज़ को मूव कर सकता हूँ, किसी कस्टमर की लाइफ बेटर कर सकता हूँ या अपने डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ, तो उसमें मजा आता था। मैं बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, जुहू बांद्रा में रहता था मोस्ट ऑफ माई वर्किंग लाइफ। तो पहले मैंने एक कंपनी शुरू करी बॉम्बे में जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। फिर उसी कंपनी के साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। वो करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मैंने मॉडल चूज किया इस इंश्योरेंस सेक्टर को सॉल्व करने के लिए या कुछ नया करने के लिए, वो शायद सही नहीं है। आई वुड नॉट से फेल हो गया, बट सक्सेस भी नहीं हुआ। और तब मेरे दिमाग में आने लगा कि मेरे को खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। दैट्स हाउ एको हैपेंड। 2016 की बात है ये। वो कंपनी बॉम्बे में ही शुरू हुई और मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि अगर हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी है और बड़ा बनाना है, तो शायद बॉम्बे में और मे नॉट बी द राइट प्लेस। बट एक चॉइस लेनी थी, आई चोज बैंगलोर, बिकॉज बैंगलोर से ज्यादा मुझे लगता है एक्साइटमेंट और टैलेंट कहीं नहीं है इंडिया में। एक फाउंडर जो है वो अपने कंपनी के कल्चर को बहुत डिफाइन करता है। बट अगर मैं एको के कल्चर की बात करूँ तो ह्यूमिलिटी इज वन वर्ड। मुझे ये वर्च्यू या ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। जितनी टीम बड़ी होती जाती है उतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कंपनी, बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं। समटाइम्स दोज ओपिनियंस आर गुड, समटाइम्स दोज ओपिनियंस आल्सो स्लो यू डाउन, बट द टीम्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस एंड दे आर थिंकिंग फॉर द कस्टमर, के कस्टमर के लिए क्या सही है। और ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग और ह्यूमिलिटी कि ये लोग जो कारवा बढ़ता जा रहा है उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट डिफाइंस एको। शार्क टैंक जब इंडिया में अनाउंस हुआ से 3 साल पहले, तो आई वॉज क्यूरियस। सीजन 1 खत्म हुआ तब आपको समझ में आता है कि इंडिया को हम जितना क्रेडिट देना चाहिए हम देते नहीं है। इट इज जस्ट कम्प्लीटली मेड एंटरप्रेन्योरशिप मेनस्ट्रीम। कौन सा शार्क कैसा है, क्या फाउंडर ने क्या बोला या क्या हुआ, आई हैव सीन 11-12 ईयर ओल्ड डिस्कशन। ये फैसिनेटिंग है कि दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इनोवेशन, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस। जो पिच कर रहा होता है मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ कनेक्ट होता है और एक आइडिया मिलता है। आई वॉन्ट टू फील दैट इन फ्लैश एंड ब्लड, आई वॉन्ट टू सी। मैंने तो शो से काफी सीखा है, तो आई एम एक्साइटेड टू सी इन द हॉट सीट इन द एक्शन एंड फॉर्म रिलेशनशिप्स विद दोज फाउंडर्स एंड होपफुली हैव अ लॉन्ग जर्नी विद देम।